अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हमें किसी को अपने से हकीर नहीं समझना चाहिए, चाहे दौलतमंद हैं, गरीब को, इल्म वाले हैं तो अनपढ़ को, जाहिल को हकीर नहीं समझना चाहिए। एक वाक्या लिखा है मौलाना रूमी मरहूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि एक शख्स था, आलम की बात लिखी है। उन्होंने कहा कि वो कश्ती में सवार हुआ, कश्ती मल्लाह के बेटे से पूछा कि आप पढ़े भी हो? कहा जी नहीं, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। कहा देखो, तूने तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पढ़ लिख जाता और काफ़ी इल्म आ जाता आपके पास, बहुत ऊपर को जाता, तो तूने ज़िंदगी ज़ाया कर दी। तो कुछ ही देर बाद कश्ती भंवर में फंसी, तो फिर पूछा मल्ला के बेटे ने, आपको जनाब तैरना आता है? कहा तैरना तो मुझे नहीं आता। कहा फिर आपने सारी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर दी, आज काम हो गया। तो इस वाक्य से हमें क्या सीखने को मिलता है? आप तकब्बुर और ये जो फ़ख्र और तकब्बुर है, इंसान को डबो के रख देता है। कहीं ना कहीं आप तकब्बुर वाली बात कर जाते हैं और आपको उसका रिवार्ड जब मिलता है तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, आपकी जो सारी ज़िंदगी है अपाहज बन के रह जाती है। तकब्बुर के बोल से बचें, इल्म आ जाए, अपने से नीचे वाले को हकीर ना समझें, दौलत आ जाए अपने से नीचे वाले को हकीर ना समझें और ग़रीब ना समझें। इस वाक्य से यही है कि इल्म वाले जवाल की पस्ती की तरफ तब भी जाते हैं जब दीन का इल्म आए, चाहे दुनिया का इल्म है, इसमें कोई वो नहीं है दूसरी राय। दीन का इल्म है तकब्बुर आ जाए फिर भी मारा गया, दुनिया का इल्म आ जाए तकब्बुर आ जाए फिर भी मारा गया। अल्लाह पाक तकब्बुर से बचाए और हर बात पर गौर व फिक्र करके, तोल कर, संभाल कर हमें बोलना चाहिए कि ये पूरी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में जो आप बोलते हैं उस बोलने का रिवार्ड आपको ज़रूर मिलता है। जो लोग बोलने में एहतियात करते हैं, अक्सर हमारा जुमला है मैं जी मुँह तो भी बोलना वा, मैं तो मुँह तो ही बोलनी हाँ, मैं तो मुँह तो ही बोलनी हाँ, मैं तो सीधा मुँह तो ही बोलना वा, तो यही तकब्बुर है। जब इंसान मुँह पे बोलता है तो फिर मुंह की खानी पड़ती है, तो फिर अल्लाह माफ़ फरमाए, वो दर दर का भिखारी हो जाता है। तो इसीलिए अल्लाह पाक तकब्बुर से बचाए और बदज़ुबानी से बचाए। तकब्बुर और बदज़ुबानी अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह पाक इंसानों का, अच्छे इंसानों का शुक्रगुज़ार बनाए और अल्लाह की इबादत करने वाला बनाए। वस्सलामु अलैकुम।